बाइक स्टार्ट करते हैं। हेडलाइट का लुक बताते हैं कैसा लगेगा। देखिए हमने स्टार्ट कर दिए, हाई बीम, लो बीम, और आप अंदर देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड का लाइट में भी लोगो लगा हुआ है, आर लिखा हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा है इसका कुछ हेडलाइट का लुक। अब देखिए ब्रेक मार के हम इसकी पीछे की टेल लाइट दिखाते हैं आपको, ऐसे ब्लिंक करती है फिर ब्रेक। ये देखिए, देख सकते हैं आप, राइट इंडिकेटर ऑन करेंगे, देख सकते हैं आप राइट इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर, ऐसा है इसका कुछ लुक। देखिए सर, हमने यहाँ से आपका मीटर ऑन कर लिया, ये ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसका इस टाइम यहाँ पे इंजन ऑफ है, ठीक है जी। उसके बाद हम आ गए इग्निशन पे, ओके। इग्निशन के बाद फिर हम आएंगे सेल्फ पे, ठीक है जी। देखिए सर, इसमें एक तो हाफ एनालॉग मिलता है आपको और एक हाफ डिस्प्ले मिलती है, मीटर है, ठीक है जी। इसमें ये आपका आता है इंजन का साइन, ठीक है जी। इंजन के साइन बाद आता है फिर ABS, जो एंटी ब्रेक सिस्टम कहते हैं इसको। उसके बाद आता है ये बैटरी का इग्निशन, उसके बाद आता है फ्यूल का, ठीक है जी। उसके बाद इसमें आपको गियर शिफ्टिंग भी बताएगा कि कौन से आप गियर में गाड़ी चला रहे हो। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइम भी आएगा, फ्यूल इंडिकेशन भी आएगा, और आपका ट्रिप ए, ट्रिप बी, और आप इसमें ट्रिप बी और ट्रिप एफ भी देख सकते हैं, ठीक है। टेल लाइट इसमें LED मिलती है, इसमें आपको हेलोजन लाइट मिलती है, इंडिकेटर भी हेलोजन मिलते हैं। ये देखिए, इसमें 1000 स्विच ऑलरेडी कंपनी फिटेड मिलता है, कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए टेल लाइट है, साथ में इंडिकेटर, कितनी अच्छी लुक आ रही है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे पिलियन के लिए फुटरेस्ट मिलते हैं, ये देखिए। और आप यहाँ पर ऐसे रखेंगे, यहाँ पर स्पोर्ट भी है, देख सकते हैं। ये राइडर के लिए कितने अच्छे हैं, फ्लेक्सिबल, या अगर नीचे गिरती है तो फोल्ड हो जाएगा। और ये ब्रांडिंग करके रॉयल एनफील्ड की, ये गियर के लिए, ये राइडर के लिए है, ब्रेक है, काफ़ी अच्छी लुक है इसकी। अब हम आपको हंटर बाइक का इग्निशन ऑन करके दिखाते हैं। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है, ऑन करते हैं। हंटर बाइक में आपको सिंगल हॉर्न मिलता है, अब हम आपको प्रेस करके दिखाएंगे कितना लाउड साउंड जाता है। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है, प्रेस करते हैं एक बार और। अब हम आपको हंटर बाइक का एग्जॉस्ट साउंड सुनाते हैं, कितना लाउड जाता है। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है, स्टार्ट करते हैं।
वहाँ आपको हंटर बाइक का एग्जॉस्ट को थ्रॉटल देंगे कितना लाउड जाता है। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है। स्टार्ट करते हैं, थ्रॉटल देंगे, मोवर बाइक का इग्निशन साउंड, हॉर्न साउंड, एग्जॉस्ट साउंड। मैं आपको बैक लाइट आपको एलईडी मिलती है, आप देख सकते हैं, और बाइक को स्टार्ट करते हैं। हम आपको हैजार्ड स्विच ऑन करके दिखाएंगे, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लुक है इसकी, फिटेड मिलता है। ब्रेक को प्रेस करके दिखाएंगे कि देखिए आप लाइट इस टाइप से, इसकी बैक लाइट फुली एलईडी है, इसमें आपको फुली राउंड शेप में फुली एलईडी हेडलाइट मिलती है। हम आपको ऑन करके दिखाएंगे कि किस टाइप की लुक आती है। अब देखिए नॉर्मल डीआरएल्स है एलईडी में। बाइक को स्टार्ट करते हैं, लाइट को पास करके दिखाएंगे कैसी लुक आती है। ये देखिए इस टाइप से इसकी लुक है। फ्रंट से भी कुछ इस टाइप की लुक है इसकी। हजार्ड इंडिकेटर्स ऑलरेडी कंप्लीट फिटेड आते हैं। तो इंडिकेटर ऑन करके दिखाएंगे राइट साइड का, ये राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड का, इस टाइप से लुक है। राइट ये लेफ्ट ऑफ कर देते हैं इंडिकेटर्स, और देख सकते हैं आप इंडिकेटर ऑफ कर दिया, आप देख सकते हैं फ्रंट लाइट, और बाइक को ऑफ करते हैं, आप देख सकते हैं जब बाइक ऑफ होती है तो ओनली डीआरएल्स लाइट आएगी, बाकी सारी ऑफ हो जाएंगी। राउंड शेप में कुछ इस टाइप की लुक है। जावा बॉवर में आपको फ्लेक्सिबल फुट रेस्ट मिलते हैं, ये आपका गियर के लिए, गियर लीवर और फ्लेक्सिबल है। देखिए काफ़ी अच्छी रबड़ भी है इसमें, कुशनिंग भी है, और पिलियन के लिए देखिए इस टाइप के फुट रेस्ट हैं राउंड शेप में, और पूरी ग्रिप है। जावा बॉवर में राइडर के लिए आपको देख सकते हैं फ्लेक्सिबल है, रबर काफ़ी अच्छी है, और ये आपका ब्रेक के लिए है। यहाँ पर ये ऐसे आप फुट रखोगे तो यहाँ पर कवर भी दे रखा है कि आपका यहाँ पर टच ना हो साइलेंसर पे। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी स्टाइल डिज़ाइन दे रखा है कि ग्रिप आपकी बनी रहे, पैर आपका स्लिप ना हो। और प्लेन के लिए देख सकते हैं आप पीछे के फुट रेस्ट कुछ इस टाइप के हैं। जावा बॉवर में आपको इंजन किल स्विच मिलता है, ये इंजन ऑफ, इंजन ऑन, ये आपको हजार्ड लाइट का स्विच ऑलरेडी कंपनी फिटेड मिलता है। ये आप सेल्फ स्टार्ट है बटन, ये आपका ब्रेक इस साइड है, ये आपका डिस्क ब्रेक की फ्यूल के लिए यहाँ पर दिखाएगा कितना ऑयल है। दूसरी साइड में आपको ये चार्जिंग पोर्ट मिलता है, ये दो चार्जिंग पोर्ट है टाइप सी यूएसबी, इसको कवर कर सकते हैं इस टाइप से। और इस साइड आपको बटन्स मिलते हैं सेट करने के लिए मैन्युअली, और ये आपका पास, हाई बीम लो बीम और पास के लिए लाइट्स, इंडिकेटर राइट लेफ्ट एंड स्टॉप
और ये आपका हॉर्न बटन, ये आपका हॉर्न बटन है, यहाँ से आप प्रेस करके हॉर्न बजा सकते हैं। और इस साइड आपके क्लच लीवर मिलता है, स्लीपर क्लच नहीं मिलता आपको, नॉर्मली है। राइट साइड आपको एक्सेलेरेट करने के लिए मिलता है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रिप है। लेफ्ट साइड के लिए आपको देख सकते हैं आप, क्लच के साथ काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलती है यहाँ पर होल्ड करने के लिए। कुछ इस टाइप का आपको डिजिटल, फुली डिजिटल मीटर मिलता है राउंड शेप में, काफ़ी अच्छी लुक है इसकी। बाइक का मीटर ऑन करते हैं, इसमें आपको न्यूट्रल का लाइट इंडिकेटर दिखाएगा, ABS, इसमें राइट इंडिकेटर, ये आपको लेफ्ट इंडिकेटर, ये ऑफ, ये आपको फ्यूल का दिखाएगा, इसमें सर्विस रिमाइंडर भी शो करेगा, इसमें आपको यहाँ पर बैटरी का शो करेगा कि आपकी बैटरी हेल्थ कितनी है बाइक की, और ये साइड स्टैंड इंडिकेटर आपको दिखा रहा है, इसमें गियर शो करेगा आपको कि कौन से गियर पे बाइक चल रही है, इसमें टाइम दिखाएगा आपको, ये आपका एम्प्टी फ्यूल का इंडिकेटर दिखाएगा कि एम्प्टी है फुल है, और ये आप RPM इसमें देख सकते हैं, और आपका किलोमीटर कितनी स्पीड से चल रही है बाइक, और ये ऑडोमीटर दिखाएगा कि कितने किलोमीटर हो चुके हैं आपकी बाइक को। इस टाइप का आपको फुली राउंड शेप में फुली डिजिटल बाइक का मीटर मिलता है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे लुक है और फीचर्स भी बहुत सारे हैं। अब हम आपको बाइक का इग्निशन ऑन करके दिखाते हैं कितना DB तक लाउड जाता है, अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है। ऑन करते हैं, बाइक में आपको सिंगल हॉर्न मिलता है, देख सकते हैं आप, इस टाइप की है इसकी लुक, और हम आपको बाइक का हॉर्न प्रेस करके बताएंगे कितना लाउड जाता है, अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है। बाइक का हॉर्न प्रेस करते हैं कि कितना लाउड जाता है, एक बार दोबारा चेक करते हैं, काफ़ी लाउड है सिंगल हॉर्न भी। बाइक में आपको देख सकते हैं आप छोटी सी LED DRLs मिलता है, देख सकते हैं आप बीच में है, जावा बॉबर बाइक को स्टार्ट करके दिखाते हैं हम आपको कितना एग्जॉस्ट साउंड लाउड जाता है कितना DB तक, अभी देखिए इसमें ड्यूल एग्जॉस्ट मिलते हैं आपको, आप देख सकते हैं DB मीटर अभी कितना आ रहा है, नॉर्मल कितना आ रहा है। बाइक को स्टार्ट करते हैं,
हम आपको बाइक का एग्जॉस्ट नोट थ्रॉटल दे के सुनाते हैं कितना लाउड जाता है। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है। बाइक स्टार्ट करते हैं। एग्जॉस्ट नोट ऊपर करते हैं, लाउड करते हैं कितना लाउड जाता है। कमेंट करके बताएं हाईएस्ट डीबी साउंड लाउड कितना गया। आप कमेंट करके बताएं हाईएस्ट डीबी साउंड लाउड कितना गया। ये था न्यू बॉबर बाइक का एग्जॉस्ट नोट ड्यूअल एग्जॉस्ट साउंड, काफ़ी अच्छा काफ़ी लाउड था। अब हम आपको साइड से ओपन करके दिखाते हैं कि इस साइड आपको क्या मिलता है। सर ओपन करेंगे, सर प्लीज़ ओपन करिए। देख सकते हैं आप सामने बैटरीज है, फ्यूज़ का दिखा दीजिए एक बार। ये आपको सारे इसमें फ्यूज़ मिलते हैं कि कौन कौन सी लाइट्स का है, कैसे है, क्या सब चीज़ दिखाएगा, क्योंकि डिजिटल बाइक है तो सब फ्यूज़ इसमें ऑलरेडी पहले से है। ऑफ़ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। आप देखिए ऐसे इस टाइप से ये लॉक हो जाएगा। दूसरी साइड आपको दिखाते हैं कि आपको क्या मिलता है। सर ओपन करेंगे, ये हमने ओपन करा सर ने, और इसमें टूल किट आपको मिलती है। यहाँ पर आप इसमें रख सकते हैं टूल किट, जो भी आपको मिलेगी कंपनी से इसमें आप कैरी कर सकते हैं। बस इस साइड तो थोड़ा सही है, इसको बंद करके दिखाते हैं आपको किस टाइप से बंद होगा। पहले यहाँ लगाया, फिर ऊपर लॉक, इसको लॉक करके सेट कर दिया।